हंटरगंज से ऑटो में छुपा कर गया ले जाई जा रही विदेशी शराब की खेप को हंटरगंज पुलिस ने गुरुवार की सुबह जब्त किया। टेम्पो में सवार गया का एक तस्कर भी पकड़ा गया है। प्रशिक्षु डीएसपी धनंजय कुमार राम ने बताया कि टेम्पो में एक तहखाना बनाकर शराब ले जाया जा रहा था। तलाशी के दौरान तहखाने में 83 पीस अंग्रेजी शराब की बोतल बरामद की गई है। टेम्पो पर बैठे एक तस्कर मकनपुरा बम नदी थाना बराचट्टी जिला गया का निवासी है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्यवाही करते हुए FIR दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। SP चतरा के द्वारा मिले निर्देश के अनुसार कि होली पर्व के ड्यूरेशन में बड़ी मात्रा में अवैध शराब बिहार की तरफ तस्करी की ले जा रही है, तो इस संदर्भ में कल 4 तारीख को हमने एक ज्वाइंट टीम बनाया, जिसमें प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक धनंजय कुमार राम, पुलिस इंस्पेक्टर प्रमोद पांडे और सब इंस्पेक्टर रमाशय शर्मा और ASI नंदू राम और सशस्त्र बलों ने को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक बिना नंबर प्लेट का ऑटो बिहार की तरफ अवैध शराब ले जा को छुपा के ले जा रहा है। इनपुट का हमने सत्यापन किया और हमने ऑटो को चेक करने के बाद जो छुपे हुए शराब को जब्त किया और उसमें एक बिहार गया का एक आदमी को अरेस्ट किया और आगे की न्यायिक कार्रवाई के लिए हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं।